हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक बयानबाजी कर रहा है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के लिए सियासी संग्राम का मुद्दा बन चुकी है। दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। बीजेपी लगातार विधानसभा के अंदर और बाहर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है और कांग्रेस का तर्क है सिर्फ आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए, इसलिए इस्तीफे का मतलब नहीं बनता। आरोप लगाना तो आप किसी पे भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं, मगर आरोप को सिद्ध करने के बाद कोई इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होती है तब तो इनकी बात तर्कसंगत और उचित है। केवल कोई किसी पे आरोप लगा करके आप किसी को हटाने की बात करें या किसी की छवि को खराब करने की बात करें तो ये तर्कसंगत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो हिमाचल प्रदेश का मुखिया है, वो सीबीआई के ईडी के पास जो है वो आरोपों में घिरा हो, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जब्त पड़ी हुई हो और उनके सारे ठिकानों पर छापेमारी हो रही हो, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति किसी प्रदेश का मुखिया कैसे रह सकता है। कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को सियासत से प्रेरित और बीजेपी प्रायोजित बता रही है, पर बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मामले यूपीए सरकार के वक्त से चल रहे हैं। यूपीए के समय का केस, उस समय जो केस एक चलाया गया था जिसपे कि मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त स्टील मिनिस्टर होते हुए इस्तीफा दिया था, वो जब एनडीए की सरकार बनी तो सीबीआई ने ही कहा कि कोई केस नहीं बनता है, सीबीआई ने ही क्लोजर रिपोर्ट जो है इसकी डालने का वो प्रस्ताव रखा। ये तो यूपीए सरकार के समय जब वो स्वयं स्टील मिनिस्टर थे तब के आरोप हैं ये लगाए हुए, ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये यूपीए के समय ही केस दर्ज हो गया था, लेकिन तब जो है वो जांच धीमी थी, अब एनडीए सरकार के आने के बाद जांच जो है वो तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आंदोलन की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से वीरभद्र सिंह जी को अरेस्ट करने की या कोई और कार्रवाई करने की कोशिश की तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है भारी आंदोलन करेगी इनके खिलाफ और हिमाचल की जनता इनको अगले चुनाव में इनकी शक्ल दिखा देगी। लेकिन ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आंदोलन जो है इसको लेकर के होगा। ये भ्रष्टाचार को, भ्रष्ट व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए आंदोलन करेंगे हम, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ईडी की कार्रवाई ने सियासी उबाल ला दिया है, पर तीखी बयानबाजियों ने दोनों पार्टियों की इस जंग को और दिलचस्प बना दिया है और करीबी भविष्य में ये मुद्दा ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लगता है कि मोदी सरकार उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता और हिमाचल के कैबिनेट मंत्री मानते हैं कि हिमाचल में सरकार 5 साल पूरे करेगी और सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन विरोधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन और उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलना और फिर वीरभद्र सिंह का ये कहना कि केंद्र उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है, ये बताता है कि इस पहाड़ी राज्य में भी कांग्रेस डरी हुई है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार 5 साल पूरा करेगी। कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसको गलत नजरिए से देखा जा रहा है, मेरा मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। और अभी जो पंचायत चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो भाजपा का सुपड़ा हिमाचल प्रदेश में साफ हो जाएगा, ये निश्चित बात है। मुख्यमंत्री इस वक्त भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच में घिरे हैं। ईडी ने होली से एक दिन पहले उनकी संपत्ति को अटैच किया था, जिसके बाद फिर से विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। इस वक्त विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी से मिले, वो डरे हुए, उनकी जो बुखलाहट है, भयभीत है, कहीं उत्तराखंड में जहाँ कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण विधायक मुख्यमंत्री रहे, बगावत कर चुके, तो ऐसी ही दृश्य हिमाचल में देखने को मिला, इसे डर के मारे। विपक्ष के तेवर तल्ख हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री विरोधियों के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सरकार पूरी तरह से मजबूत और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल जी हमारे नेता हैं, उनसे बाहर एक भी व्यक्ति जाने वाला
नहीं है और हमारी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है इस वक्त। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से साफ होता है कि आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। यानी साफ है कि हिमाचल में सत्ता, सरकार और संग्राम अभी और देखने को मिलेगा। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।